नमस्कार, इंडोटैप न्यूज में आपका स्वागत है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का किया विधायक ने दौरा, साथ में जिलाधिकारी रहे मौजूद। विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक ग्राम विकास खंड के अंतर्गत कटरी पर 16 कटरी बिछुआ, घासीरामपुरवा, मक्कूपुरवा, नौकीपुरवा आदि गांवों में जिलाधिकारी अविनाश कुमार के साथ पहुंचकर गंगा जी के बढ़ रहे जल स्तर की स्थिति का जायजा लिया व ग्राम वासियों की समस्याओं को गंभीरता से जाना। बाढ़ से नष्ट हुई फसलों को प्रभावित किसानों को अनेक मुआवजे को शीघ्र उन तक पहुंचाने के लिए स्टीमर बोट उपलब्ध कराने और भोजन राशन आदि की व्यवस्था, बाढ़ से आम जनमानस को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए बचाव टीम के लिए उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया। बाढ़ प्रभावित गांवों में संबंधित अधिकारी, स्वास्थ्य टीम लगातार निगरानी कर रही है। इस मौके पर उप जिला अधिकारी दीपक वर्मा, तहसीलदार राजीव यादव, सीएससी अधीक्षक विनीत तिवारी, ग्राम प्रधान विनोद राजपूत, प्रधान प्रतिनिधि नरवेश यादव, प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर राजेश कुमार, सुरेश यादव समेत राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। बाढ़ की समस्या में बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है हमारा बेलग्राम का, उसमें माननीय विधायक जी के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। यहाँ पे हम लोगों ने खाने की व्यवस्था कराई है और चारे के संबंध में कुछ बताया है यहाँ पे लोगों ने कि चारे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अभी हम लोग चारे की व्यवस्था करा रहे हैं। दवा के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, कैंप करा रहे हैं ये लोग। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको शिफ्ट भी किया है और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया है पूरे तहसील को, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर फसल का भी जो प्रभावित क्षेत्र है वो फसल भी डूबी है, तो आकलन करके सभी को संबंधित जो सहायता धनराशि है उनके खातों में उपलब्ध कराएं। कुछ ग्रामीणों का सर कहना है कि नाव के लिए कुछ व्यवस्था व्यवस्था कराई गई। हाँ, 3 यहाँ पे नाव लगाई गई हैं, जो एक्सेस रोड कटी है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे नाव की व्यवस्था करी। अभी हम लोग भी उसी नाव से व्यवस्था किया।